हेलो फ्रेंड्स, ईसीआई यूपी चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं कमिटेड आपको पर डे लगातार हमारे चैनल यूनिवर्सिटी एग्जाम से संबंधित जानकारी दे रहा है, उसी क्रम में बिल्कुल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो जो लोग भी इस चैनल पर ना हो, जो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि यूनिवर्सिटी एग्जाम से संबंधित बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ आपको हमेशा प्रोवाइड होती रहे। सबसे पहले जानकारी दे दें कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है, उनके एग्जाम कैसे होंगे। देखिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम जो होंगे, फर्स्ट ईयर को प्रमोट कर दिया जाएगा, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे कोई भी कोर्स हो। हम बार बार ये वीडियो जब मैं जानकारी प्रोवाइड कर, कोर्स कोई भी बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम बीएड एमएड बीपीएड कोई भी आपका कोर्स हो, आप सभी में प्रमोट जरूर हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमने आपके लिए लेकर आया, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब दूसरी बात ये आती है कि जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, क्या उनको प्रमोशन मिलेगा। देखिए, सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोशन मिलने के चांसेस इसलिए लो हैं क्योंकि कमेटी ने उनको प्रमोट करने के कोई जो रेगुलेशंस हैं वो नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए हैं? क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम भी उनको प्रमोशन मिल गया था, लास्ट टाइम प्रमोशन मिला था, तो अगर उनको 3 साल की डिग्री एक ही साल के एग्ज़ाम में दे दी जाएगी तो बच्चों के साथ अनफेयर होगा। तो कमेटी ने निर्धारित किया है कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एमसीक्यू पैटर्न पर एग्ज़ाम कराया जाए, समय को घटाया जाए, 1 घंटे या 1.5 घंटे का पेपर लिया जाए और एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाए। एमसीक्यू प्रश्न से आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और आपका इवैल्यूएशन भी ढंग से हो जाएगा और यूनिवर्सिटी का टाइम भी बचेगा और एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको प्रमोशन मिला था। थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होने के चांसेस भी हैं और सेकेंड ईयर के भी हैं, बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर है और सरकार के ऊपर है वो क्या निर्णय लेती है। वैसे कल सीएम ने इस पर बैठक की थी और उसके बारे में जो न्यूज़ आउट हुई है, थोड़ी देर में आपके लिए उसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि वो न्यूज़ जब आपको लेकर आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ये न्यूज़ आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक न्यूज़ आपको और बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय बीफार्मा डीफार्मा की पढ़ाई जल्दी शुरू करने वाला है। 11 तारीख को इस पर मीटिंग है और 11 तारीख के बाद इसके अलग से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे, और जैसे ही ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं, क्या प्रोसीजर है, सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रहा हमारा आज का वीडियो, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।